पेशाब घर को लेकर मुंदड़ी वाले के व्यापारियों ने निगम पर किया प्रदर्शन। पेशाब घर बंद होने से आ रही है परेशानी, 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। आज मुंदड़ी मोहल्ले के व्यापारियों ने पेशाब घर को लेकर निगम पर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि मुंदड़ी मोहल्ले में आर्य समाज चौक में बने पेशाब घर को किसी कारण के चलते बंद कर दिया गया, जो कि पिछले 12 सालों से बना हुआ है, जिसकी वजह से व्यापारियों को काफी समस्या आ रही है। कई दुकानों पर बुजुर्ग भी बैठते हैं, इसलिए आज निगम पर प्रदर्शन कर आयुक्त से मिले और जल्द पेशाब घर को फिर से शुरू करवाने की मांग की। जल्द शुरू न हुआ तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। सर, आर्य समाज चौक में पेशाब घर करीबन 10-12 साल से बना हुआ है, उसके पास करीबन नला बाजार, मुंदनी मोहल्ला, उतार घसेटी, सौदागर मोहल्ला की 600 दुकानें आती है। 600 दुकानों के बाद सर उनके पास 3-3, 4-4 व्यापारी है। अजमेर की मानी हुई मंदिर मंडी है मुंदनी मोहल्ला, जहाँ होलसेल मार्केट है, सबके पास दुकानदार ग्राहक आते हैं बाहर के, नागौर के। वहाँ पेशावगढ़ जो बना हुआ था सर, कुछ कारणों के, कुछ आदमियों की वजह से वहाँ बंद किया गया है, जबकि वहाँ 2-3 रेजिडेंट, पहले तो वहाँ रेजिडेंट बहुत थे, अब सारी दुकानें बन गई हैं। व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है पेशाब के लिए। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको शुगर है, वो कहाँ जावे, उनको बेचारे दुकानों में ही पेशाब आ जाती है। हम चाहते हैं तो पेशाब घर खोला जाए, प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है। अशोक दुलानी, सचिव मुंदड़ी मोहल्ला। आज हम नला बाजार में मुंदड़ी मोहल्ले में आर्य समाज चौक में एक वर्षों पुराना पेशाब घर बना हुआ है, जो कि लगभग करीब 12 वर्षों से बना हुआ है, और वहाँ के आसपास के उतार घसेटी, सौदागर मोहल्ला, मुंदड़ी मोहल्ला, नला बाजार, घसेटी बाजार के सारे व्यापारी वहाँ बाथरूम वगैरह, जाहिरीन वगैरह व्यापारी वहाँ बाथरूम करने आते हैं। उस बाथरूम को सिर्फ 2 रजिस्ट्रेशन, वहाँ 2 मकान रह गए, उन 2 मकानों की वजह से ज़बरदस्ती नाजायज बंद कर दिया गया। उसके बंद करने से लगभग करीब 600 व्यापारी इतने परेशान हो रहे हैं। एक तो वहाँ बाथरूम की जगह नहीं है, प्लस दरगाह से जुड़ा हुआ इलाका है, दरगाह के आसपास हम एक एक व्यापारी के 2-2 नौकर हैं, अगर हम सब मिलकर बाथरूम करने कहाँ जाएँ। इसी समस्या को लेकर हम सब व्यापारियों रोष उत्पन्न है। हमने आज आयुक्त महोदय नहीं तो उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है, अगर हमारी जल्दी से जल्द सुनवाई नहीं की गई तो हम सारे आसपास के जितने बाजार है सारा मार्केट बंद करेंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। और जब तक, और हमने वहाँ पर जाके देखा तो उस मतलब बाथरूम को बंद करके कुछ स्वार्थी लोगों ने उस पर धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने का काम करें, वहाँ मूर्तियाँ लगा दी गई, मूर्तियाँ को हमने हटाया व्यापारियों ने। बस हमारा एक ही कहना है, अगर ये पेशाब घर जल्दी से जल्दी नहीं खोला गया, हम इनको 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, अन्यथा सोमवार को हम सारे इलाके बंद करके धरने पर बैठ जाएंगे, और जब तक पेशाब घर नहीं खुलेगा एक भी दुकान नहीं खोली जाएगी। महेंद्र बंसल, अध्यक्ष, उतार व्यापारी एसोसिएशन।